नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजा। आज हम हिंदी विषय में पहेलिया, जिसे पहेलिया कहते हैं, वैसा एक जिसको हम तार्किक, हमारी जो सोच लगाते हैं, हमारे जो विचार उसके ऊपर हम डालते हैं, वैसा एक पंक्तिया वाला, एक पहेलिया वाला आज काव्य पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ढूंढते रह जाओ। यानी ये जो पहेलियां होती है वो हमें सुलझा नहीं होती है, हमें पहेलियां का ऐसा गोल गोल वाक्य दिया जाता है, पंक्तियां दी जाती है, और उसके आधार पे हमें सोच विचार करके उसका जवाब देना होता है। और ये पहेलियां सुलझाने से हमारी जो मौलिक शक्ति होती है, हमारी विचारिक शक्ति होती है, हमारी जो तार्किक शक्ति होती है, उसका बहुत विकास होता है। जिसके लिए हिंदी में ये पाठ रखा गया है, जिसका नाम है ढूंढते रह जाओ। ढूंढते रह जाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो है ये पहेलियां है, जो पहेलियां हमें सुलझानी होती है, उसका हमें एक फैक्ट जवाब देना होता है। और कैसे होते हैं, तो एक पहली पहेलियां है। देखो, पहेलियां मनोरंजन के साथ दिमाग की कवायद भी है, साथ ही कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को बढ़ावा देती है। जो पहेलियां होती है वो हमारी कल्पना शक्ति और हमारी जो तर्क करने की शक्ति है उसको बढ़ावा देती है। पहेलियां रोचक मजेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। हम शब्द वाक्य के विशिष्ट रूप से अवगत करा दी, ऐसी पहेलियां कुछ यहां पर दी गई। पहली पहेली है, सोने की बहुत चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं उसका बहुत भार। एक पहेली है कि सोने की चीज है, यानी कि सोने, सोना यानी सोने का दो अर्थ होता है, एक सोना यानी सो जाना, लेट जाना, और दूसरा सोना यानी गोल्ड, जो बहुत कीमती होता है। तो सोने की चीज नहीं है, लेकिन सोने की चीज है, जो गोल्ड बोलते हैं वो नहीं है लेकिन सोने की चीज है, पर बेचे नहीं सुनार, है सोने की चीज लेकिन सुनार बेचता नहीं है, मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका। अपरिचित शब्द, बात कही गई है कि सोने की चीज है लेकिन उसको सुनार बेचता नहीं। सुनार जो बेचता है उसे सोना कहते हैं, जो उसकी चैन बनती है, बुट्टी बनती है, अलग अलग आभूषण बनते हैं, होता है छोटा लेकिन उसका मोल यानी कीमत बहुत होती है। तो पहला शब्द है मोल। तो उसकी कीमत नहीं है, सोने की चीज है पर सुनार बेचता नहीं है, मोल ज्यादा है नहीं उसका, उसका मोल ज्यादा नहीं है, उसका जो कीमत होती है वो ज्यादा नहीं है लेकिन उसका भार बहुत है, उसका वजन बहुत है। सोने की चीज जो होती है गोल्ड की, वो छोटी होती है लेकिन उसका बहुत कम भार होता है, पैसा बहुत होता है। ये चीज ऐसी है कि पैसा कम होता है लेकिन भार बहुत होता है। तो ये चीज है चारपाई। चारपाई को हम खटिया भी बोलते हैं। सोने की चीज है लेकिन सोनार बेचता नहीं है, उसकी कीमत ज्यादा नहीं है लेकिन उसका भार बहुत है। तो पहली पंक्ति जो पहली है उसका जवाब आएगा चारपाई। दूसरी है, एक नगर में ढेरों चोर,
चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए मुझा। एक पहली है, एक नगर में ढेरों चोर, ढेरों ढेरों इतने ज्यादा बहुत, ढेर यानी बहुत, एक नगर नगर यानी एक गांव है उसमें ढेरों चोर है, बहुत चोर है, चोरों का मुंह है काला, जो चोर होता है उसका मुंह ऐसा काला होता है, पूंछ पकड़कर खींच लो, ऐसे पूंछ पकड़कर ऐसे खींचते हैं झट हो जाए उजाला उजाला। पहली में है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। तो पहली में बताया गया कि एक नगर है इसमें बहुत सारे चोर होते हैं, चोर नहीं लेकिन चोर बताया गया है, चोरों का मुंह होता है काला, ऐसे काले मुंह वाले होते, पूंछ पकड़ कर खींच दो तो झट हो जाए उजाला। तो ये क्या है, जो माचिस की तीली होती है जिसको बोलते हैं माचिस, माचिस की जो तीली होती है वो ऐसी होती है, माचिस में बहुत ज्यादा, माचिस की जो तिलिया होती है उसके मुंह काले होते हैं, ऐसे खींचते हैं उजाला होता है। तीसरा नंबर है, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेगा। पानी मेरा बाप है, पानी मेरा बेटा है, मुंह ऊपर करके देख लो मैं सबके ऊपर लेगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि मेरे अंदर से ही पानी आता है और नीचे से भी मेरे लिए पानी आता है, तो पानी मेरा बाप है, पानी मेरा बेटा है, मुंह ऊपर करके देख लो मैं सबके ऊपर देगा। जिस चीज से हमें पानी मिलता है, मानो कि बरसात का जो मौसम होता है, बरसात होती है तो बादलों में से बरसात आती है, तो पानी उसका बाप है, पानी उसका बेटा है, हम उसे देखते हैं ऐसे तो बादल हमें दिखाई देता है। तो तीसरे नंबर का जवाब आएगा, खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूर्त मेरी, बादल की मैं खोती हूँ। बहुत अच्छी पंक्ति है, खुली रात में पैदा होती, जब ऐसे सर्दियों के दिन आते हैं, ठंड के दिन आते हैं, तब ये चीज पैदा होती है, खुली रात में पैदा होती हूँ, हरी घास पर सोती, यानी खुली रात होती है उसमें मैं पैदा होती हूँ, हरी हरी घास होती है, पत्ते पेड़ पौधे ये सब चीजों पर मैं पैदा होती हूँ, उसके ऊपर मैं सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, मूरत मूरत यानी शक्ल, उसकी जो शक्ल होती है उसका चेहरा होता है मोती जैसा होता है, बादल की में पोती, बादल बादल आकाश में जो बादल होते हैं वो पोती, शब्द समूह के लिए एक शब्द, पोती बेटे की बेटी, हमारे बेटे की जो बेटी है उसको पोती बोलते हैं। तो खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत होती है मेरी, ऐसी मोती जैसी मेरी मूरत होती है, और बादल की मैं पोती हूँ, तो है होश। चौथा नंबर का जवाब आएगा होश,
जिसको गुजराती में बोलते हैं झाकड़। तो ओस इधर की बात में उधर करता, उधर की बात में इधर बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम में आना। यह पंक्ति में बताया गया है कि इधर की बात में उधर कहता, उधर की बात में इधर बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम में आता। चुगलखोर, चुगलखोर यानी पीछे पीछे बुराई करने वाला। चुगलखोर यानी पीछे पीछे जो हमारी बुराई करना है उसे हम चुगलखोर बोलते हैं। तो कहा गया है कि इधर की बात में उधर करता, उधर की बात में इधर बताता, मैं चुगलखोर नहीं हूं लेकिन मैं सबके काम आता। तो कौन ऐसी वस्तु है जो मैं ऐसे काम आती है? तो मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से हम इधर की बात इधर बताते हैं, उधर की बात इधर बताते हैं। चुगलखोर है पीछे की अंदर की बात हम बताते हैं लेकिन सबके काम में आता है, तो उसको टेलीफोन। टेलीफोन यानी मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी वस्तु है जो यहां से यहां, यहां से यहां सब चीजों को बताता है। तो ये चीज सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, एक रुपया पास नहीं फिर भी राजा का। ये पहली बहुत अच्छी है। बताया गया है कि एक व्यक्ति के बारे में बताया है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सोने को पलंग भी नहीं है, उसके पास खुद का एक पलंग भी नहीं है, उसने कभी महल भी बनाए नहीं है, एकदम खुले आसमान में रहता है, झाड़ियों में रहता है, पर्वतों में रहता है, एक रुपया उसके पास नहीं है फिर भी वो राजा कहलाता है। तो ऐसे कौन है? जंगल का राजा शेर। तो शेर की बात बताई गई है। जंगल का राजा जो होता है शेर, सिंह, जो शेर होता है उसको बताया गया है कि उसके पास सोने का पलंग नहीं है, अपना खुद का महल नहीं है, उसके पास एक रुपया भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो भी सब उसको राजा बोलते हैं, महाराजा बोलते हैं, जंगल के राजा बोलते हैं। तो ये है शेर। और लास्ट का है, तीन अक्षर का नाम मेरा, पानी देना काम मेरा, प्रथम कटे तो दल कहलाओ, बीच कटे तो बादल बाल कहलाओ। एक पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि मेरा तीन अक्षर का नाम है, तीन अक्षर का मेरा नाम है, पानी देना मेरा काम है, वो चीज ऐसी है जो पानी हमें देती है, प्रथम कटे तो दल कहलाओ, यानी प्रथम हम कट देते हैं दल बलग जीतते हैं, प्रथम कर देते हैं, बीच कटे तो बाल कहो, तो आगे हम बाल लिखना है, बीच कटे यानी बीच वाला भाग कट जाए तो बाल, प्रथम कटे तो दल कहलाओ, बीच कटे तो बाल कहलाओ, यानी लास्ट का जवाब आएगा बादल। बादल ऐसी चीज है जो पानी देता है, तीन अक्षर का उसका नाम होता है, प्रथम कटे तो दल कहलाता है, बीच कटे तो बाल कहलाता है। देखो बा द ल, प्रथम कटे तो दल कहलाए और बीच कटे तो बाल कहलाए, ऐसी ये बात है जिसको हमें ध्यान रखना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां आज हमें ये पंक्तियों पहेलियों द्वारा हमें बताने का प्रयत्न किया गया है, साध्य में भी अलग दो तीन उदाहरण वाली पंक्तियां है, प्रथम कटे
कटे तो ये कहलाए, बीच कटे तो ये कहलाए, अंत कटे तो ये कहलाए, ये आपको सुलझानी है और उसको याद रखना है। और मुझे पता है कि मैंने आपको जो समझाया आपको बड़ी अच्छी तरह पता चला होगा, आपको याद रखना है और उसको एक बार से सीख लेना है। तो एक बार फिर से हम जो जो पहेलिया है उसको हम मुख पठन कर देते हैं। सोने की बहुत चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा नहीं बहुत है उसका भार। तो है चार। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। माचिस की तीलियां। पानी मेरा बाप, पानी मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेता बादल। खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मेरी मूरत है, बादल की मैं होती हूँ, यानी ओस जिसको झांकड़ बोलते हैं। इधर की बात में उधर करता, उधर की बात में इधर बताता, चुगल पर कहे तो कोई सबके काम में आता। तो टेलीफोन जिसको मोबाइल बोलते हैं। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, एक रुपया पास नहीं फिर भी मैं राजा कहलाऊं शेर। तीन अक्षर का नाम मेरा, पानी देना काम मेरा, प्रथम कटे तो दल कहलाओ, बीच कटे तो बाल कहलाओ बादल। विद्यार्थी मित्रों, ये पहेलियों को आपको तैयार करनी है, मौखिक करनी है और उसका संदेह भी आपको लिखना है। मुझे मालूम है, मुझे पता है कि आपको सब याद हुआ होगा, आप उसको पठन करेंगे और समझेंगे। जय जगन्नाथ।